फेस पर दे देख रहे सारे दर्शकों का अज्ज दे स्वागत है। आओ गल करिए यूएसए के रूल की कानून की, किमें जाया जा सकता है, किहड़ी किहड़ी चीज़ों तो सानू बचने की लोड़ है, सक्सैस रेट किमें है। यूरोप दे विच पोलैंड कंट्री है जिहदी अजकल पंजाब दे विच बहुत एडवर्टीजमेंट है कि सक्सैस रेट है कि जाके असी कामयाब होवांगे, जां पंजाब दा बच्चा पंजाब छड्ड के विदेश जाना चाहता है इस करके पोलैंड चुन लैंदा है, ये भी एक सवाल हैगा। साइप्रस बहुत वड्डा हजूम जा रहा है, किसी नूं नहीं पता कि उत्थे काम मिलना है नहीं मिलना, स्कोप की होएगा, रूल एंड रेगुलेशन की ने, वीज़ा बहुत ज़्यादा, वीज़ा सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा, इसे करके हर कोई अप्लाई कर रहा, वीज़े के झांसे के विच आके असी अप्लाई नहीं करना, एक्चुअल स्थिति की है साइप्रस की, ये बारे भी असी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये रूल एंड रेगुलेशन इस करके अज असी डिस्कस कर रहे हैं, 2017 जिन्हें बच्चे ने एग्जाम्स दिते ने, जिहड़े बच्चे ने पास आउट होना, उन्होंने तीनों कैटेगरियों का यूएसए लेवल कैनेडा लेवल का पता होना चाहिए, जिन्हें छे साढ़े छे बैंड आएंगे, पांच बैंड के रहने वाले बच्चे पोलैंड जाएंगे, बिल्कुल जिहड़ा मैं कहूँगा कि परसेंटेज भी घट गई और बैंड भी साढ़े चार ते खड़ गए, उन्होंने वालों साइप्रस सिंगापुर की गल होनी है, यूरोप की गल होनी है। सो तीनों ही कंट्रीज तीनों ही लैवल्स की अच्छी गल करेंगे। गौरव तलवार जी मेरे नाल सैटलिंग अब्रॉड तो बहुत बहुत सत श्रीकाल। गौरव जी यूएसए को उन्होंने बच्चों 60-70-80% नंबर आएंगे, उन्होंने लिए 6.5 बैंड आएंगे, 7 आएंगे, GRE जी मैट सैट होएगा। सो गल असं कर लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां च दाखला किमें मिलेगा। देखो यूएस का एक गुरु मंत्र है रणबीर जी जान वास्ते, फाइंड द कॉलेज दैट मीट यूअर नीड्स। सब तो मुश्किल उत्थे एक इंस्टीट्यूशन चुनना है, क्योंकि बहुत वड्डी संख्या से इंस्टीट्यूशनस है, लाइक तो असी न्यूयॉर्क ले लिए, शिकागो ले लिए, वाशिंगटन ले लिए, कैलीफोर्निया ले लिए, हुण ये बच्चे दे कोर्सेज बच्चे दी चूज़ की हुई स्टडी ते डिसाइड करेगा कि किस कि स्टेट जाना चाहता है। लाइक वो न्यूयॉर्क जाना चाहता, न्यूयॉर्क इज़ द बिग एप्पल, ये सिटी है जो कदे सौंदी नहीं, इसका मतलब इतने IT सैक्टर, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, इस चीज़ों की बहुत डिमांड है, क्योंकि ये 24 आवर इन टू 7 चलती है। उस तो बाद असी अगर गल कर लिए अगली सिटी की कैलीफोर्निया की, या असी गल कर लिए शिकागो की, तो ये वो सिटीज़ ने जिथे बच्चा जिथे तुसी ये कह सकते हो कि हैवी ट्रक ड्राइविंग नू लैके, और तुसी कह सकते हो कि फॉर्मिंग नू लैके सानू बहुत से ऑप्शनस अवेलेबल ने। ये हुण बच्चे ते डिपेंड करता है कि बच्चा यूएस दे विच किस प्रोग्राम नू चूज़ करता, यूनिवर्सिटीज़ कि यूज़ करता। उत्थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रही है, अप टू लैके 30th रैंक तक सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल ने। हुण बच्चे नू ये डिसाइड, इंडिया या पंजाब दे बच्चे नू ये डिसाइड करना है कि उन्हें कम्यूनिटी कॉलेज टू यूनिवर्सिटी जाना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना है, या अपना डिप्लोमा कम्यूनिटी कॉलेज तो ही करना है। ये बहुत बड़ा, इतने बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, वो कहता कि कोई तो मैं सलाह दे रहा है। बेनिफिट की देखो रणबीर जी, अगर थोड़ी परसेंटेज स्ट्रोंग है, आयल्स बैंड अच्छे ने, दैन यूनिवर्सिटी थोड़ा डायरैक्ट स्पॉन्सर कर देती है, I-20 इशू कर देती है। बट अगर थोड़े को परसेंटेज अच्छी है, बैंड विच कोई ना कोई कमी है, लाइक 6 बैंड आ गए और किसी विच 5 आ गए, हुण थोनू कम्यूनिटी कॉलेज का रस्ता चुनना पएगा कि कम्यूनिटी तो I-20 लीडिंग टू यूनिवर्सिटी लैनी पएगी। हुण थोड़े जो अगर परसेंटेज भी घट है और बैंड भी 5.5 ने, फिर थोड़े लिए ऑप्शन है कम्यूनिटी कॉलेज। बस इस सारी चीज़ों के नाल थोनू फंडिंग, इनकम सोर्स ये स्ट्रोंग कर दी जानी पएगी, क्योंकि जिन्नी क वड्डी यूनिवर्सिटीज़ होणगियां, जिन्नी क तुसीं लीडिंग टू वाया प्रोग्राम लोगे, उन्ना क थोनू वीज़ा अफसर नू सैटिस्फाइड करने लिए अपनी जो प्रिपरेशन है, इंटरव्यू है, इनर व्यू है, उन्हें स्ट्रोंग करना पएगा, उन्हें यह दसना पएगा कि तुसी किद्दा एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो। यूनिवर्सिटी असी चुनदे कि यूनिवर्सिटियां सानू चुनदियां, जिवें साडी फीस घट है, बिल्कुल मंशा हैगी है कि असी थोड़ी फीस जाइए, बिल्कुल परसेंटेज लो लो है, फंड साढ़े को बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, उस सिचुएशन दे विच यूनिवर्सिटी सानू चुनेगी ना। बिल्कुल रणबीर जी, अगर तो असी मन्नी परमन्नी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी चुनदियां ने, थोड़े प्रोफाइल में असैस कर दिया ने। देखो जितों तक गल आ गई फीसिस की, ईवन फॉरन स्टूडेंट्स लिए मिलट्री प्रोग्राम्स या मिलट्री स्कूल्स भी अवेलेबल ने, जो जो शायद फीस भी नहीं लेंदे, या फीस अप टू 50-60% डिस्काउंट भी देंदे ने बच्चों नूं, उन्हां तो हेल्थ रिलेटेड स्टूडेंट्स नूं लेंदे ने। बट इट डिपेंड करता है कि बच्चा उस दे विच एप्टीट्यूड टेस्ट क्लीयर कर पाता या नहीं कर पाता। हुण सारी दारोमदार थोड़ी परसेंटेज और थोड़ी आयल्स बैंड ते आके खड़ी रहिंदी है,
ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਚਣਾ ਮਿਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੀ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਟ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, USA 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠੱਪਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦੈਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੀਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰੋਡੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਬੈਸੀਜ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰਸ ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਰੋਡੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਮੀਆਜ਼ਾ ਸਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਡ ਮੂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ, ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ I-20 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਰਹਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਫਿਰ
इस वजह नाल कंपनीज नूं फीस होल्ड करनी पैंदी है क्योंकि कंपनीज भी परेशान, एजेंट्स भी परेशान हो जांदे ने। बच्चा यूएसए दे एडे वड्डे देश नूं सीरीज क्यों नहीं लैंदा, इह तां बहुत वड्डा मुद्दा है। देखो रणवीर जी, कैनेडा नूं क्यों ले लैंदा? नहीं रणबीर जी, कैनेडा विच भी होंदा कि बच्चे अपना कोर्स छड्ड जांदे, पर फीसा भरदे, कोर्स करदे, क्योंकि फीस पहले भरी जांदी ना, तुरदे ने। बिल्कुल, देखो सारे ऑप्शन यूएस दे विच भी है, पर बच्चा यूएस विच जाके कितने ना कितने बच्चा गलत राहे पै जांदा है। वो सिर्फ ते सिर्फ कम, क्योंकि देखो कैनेडा दे विच की है कि थोनू पढ़ाई दे पढ़ाई करते रहोगे, थोनू कम उन्नी क स्पीड ना मिलता। यूएस दे विच बच्चा जो चला जाता उन्हें कम की कोई पाबंदी नहीं रहती, कम बहुत है, ते उत्थे जाके बच्चा कितने कितने उत्थे गए हुए स्टूडेंट मेरे भी एक 5 साल डिपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, 5 साल का वीजा पूरा लग जाता है। हुण कैनेडा दे विच अगर तुसी 1 साल का कोर्स या 2 साल का कोर्स लिता, 2 साल का वीजा लग गया, हुण वीजा ताही ग्रांट होना जे तुसी पास होना। इत्थे 5 साल की थोनू डिपोर्टेशन पॉलिसी नहीं है, इसलिए बच्चे का माइंडसैट हो जाता है कि मैं कोई छोटा मोटा कॉलेज ले लाँ जिस दे विच 1000-2000 या 4-5 हज़ार डॉलर फीस होवे, और मैं वीकेंड ते मेरी क्लासेस लगन, लाइक वोकेशनल टाइप, वो टाइप की जैसे कॉरेस्पोंडेंस स्टडीज नू बच्चा अडॉप्ट कर लैंदा जाके और अपने करियर नाल इन्ना वड्डा खिलवाड़ करदा। आने वाले समय च कुछ सख्ताइयां वाल इंडिकेशंस हैगे यूएसए दे? बिल्कुल, पहला सक्सेस रेट पहला भी घट आई है। बिल्कुल स्टडी वीजे दा। बिल्कुल रणबीर जी, जो सख्ताई है वो डिपेंड करती है, सख्ताई सेम मेरे हिसाब नाल कोई बहुत वड्डे लेवल ते चेंजेस नहीं आउणगियां, पर इस गल तो बचना पएगा। मैं बहुत बार एडवरटाइजमेंट देखदा कि 5000 विच वीजा, 2500 विच वीजा, 10000 विच वीजा, बच्चों नूं इह गल समझ नहीं पएगी कि उन्हां नूं करियर काउंसलर दी जरूरत है। अगर वह करियर काउंसलर्स को जाणगे, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे करियर काउंसलर्स ने जो बहुत डेडिकेटेड ने अपने काम नू लेके, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज नू रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ना तो फाइल लाते हैं, थोनू पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी देते हैं, थोनू इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं, तो रैदर दैन तुसी एजेंट्स नू चूज़ करो जिन्हों का थोनू सिर्फ यही समझाना हो कि वीजा लग जाएगा जी, तुम घर जाओ, कोई गल नहीं, पैसे बाद ही ले लेंगे जी। गल सिर्फ ये मतलब है कि तुसी करियर काउंसलर नू चूज करो जो थानू थोड़ा करियर अडॉप्ट करके, देखो 2-3 साल की मेहनत है रणबीर जी उत्थे जाके, अगर बच्चा 2-3 साल पढ़ लूगा अपनी, क्योंकि देखो यूएस दे वीजा ते थोड़े कॉलेज का नाम भी लिखा जाना है जी, जो 5 साल बाद वीजा एक्सटेंड कराओगे फिर थोड़े को जवाब नहीं होएगा, फिर तुसी उत्थे कोई ना कोई इलीगल वे अडॉप्ट करके या कोई ना कोई असैलम लैके उत्थे पीआर लैन की कोशिश करोगे, और फिर तुसी ना आन जोगे रहोगे ना जान जोगे रहोगे। तो इसलिए मैं ये बच्चों को कहना चाहना कि एक बहुत सीरियस इशू है कि तुसी अपने करियर दे नाल खिलवाड़ नहीं करो, डिपेंड करो कॉलेज वो चूज़ करो जिस विच तुसी पढ़ सको, स्टडी वो चूज़ करो जिस दे विच थोड़ा इंट्रस्ट है, और करियर काउंसलर तो पूरी सलाह लैके अपनी फंडिंग नू, अपने परसेंटेज नू, अपनी आयल्स नू, अपने स्टेट नू सारा जानते हुए अप्लाई करो, उसका हमेशा थोड़ा बेनीफिट रहेगा। गल कर रहे हैं जी पोलैंड, पोलैंड नू बहुत प्रमोट किया जाता, असं भी बहुत सारे शो करते हैं, बहुत सारा बच्चा जाता भी है, बहुत सारा बच्चा अप्लाई करता है, कई वीजे मिल जाते हैं, कई रह जाते हैं, फिर उही आंसर या उही सेंटेंस दोहरा रहा, जिन्हों कितने वीजा नहीं मिलता वो अपनी जी भुख है बाहर जाने की उन्होंने पूरी करने वास्ते पोलैंड वर्गे देशों च अप्लाई करता, या कुछ हैगा खास जिंदगी मकसद पूरा होंगे? बिल्कुल रणबीर जी, जो पोलैंड है उस दे विच तुसी पोलैंड नू सिर्फ पहुँच मुहिम नहीं मान सकते कि जो बच्चा कितने भी नहीं जा रहा वो पोलैंड अप्लाई करते हैं या कुछ नहीं है। पोलैंड दे विच सारे तरह के कोर्सेज अवेलेबल ने, बट एक किंदे नाल अज मेरे नाल दो बच्चे काउंसलिंग ले रहे थे, वो मैनू कह रहे थे कि मेन कोर्स की सानू लैटर चाहिए है, लैंग्वेज की आ गई। मैं उन्होंने समझाया कि देर इज टू ऑफ अ लैटर, कोई भी अगर यूरोप दे विच असीं जावांगे तो सानू लैंग्वेज अडॉप्ट करनी पएगी, ये मैंडेटरी है। दूजी चीज़ जो तुसी इशू उठाया कि पोलैंड दे विच खासियत, पोलैंड दे विच खासियत ये है कि फस्ट ऑफ ऑल ये कल्ली शैनिगन कंट्री है जो विदाउट आयल्स लो बैंड और गैप एक्सेप्ट करके वीज़ा दे रही है। अगर इस दे कंपेटिटर असी फ्रांस की गल कर लिए, असी स्पेन की गल कर लिए, असी डेनमार्क की गल कर लिए, तो इन्हों की वी आयल्स रिक्वायरमेंट और परसेंटेज रिक्वायरमेंट इक्वलेंट टू यूएस एंड कैनेडा है, ये नहीं विदाउट आयल्स थानू एंटरटेन करते। दूजी सब तो वड्डी चीज़ फंडिंग इज़ वैरी लो, फीस स्ट्रक्चर इज़ वैरी लो,
4000 यूरो 4100 यूरो सिर्फ फीस है साल दी, और फंडिंग सिर्फ 3 लाख रुपया, बिल्कुल फंडिंग इज वेरी लो। तो ये बच्चे लिए 7 to 8 लाख सिर्फ फंडिंग शो करनी है, और दिस इज द बेस्ट वे। और सेकंड उत्थे जाके अगर तुसी विकीपीडिया दे पोलैंड बारे पढ़ो या उत्थे गए हुए बच्चे नाल मैं थोनू गल करावां, तो डेफिनेटली जो लैवल ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ गुड। और सैकेंड चीज़ बंदे की अडैप्टेबिलिटी है, जो कोर्सेस तुसी करन जा रहे हो उनकी अडैप्टेबिलिटी है। अडैप्टेबिलिटी समझाना चाहना कि लाइक एक ड्राइवर है उनके को इंटरनेशनल लाइसेंस है और एक डॉक्टर है, अगर वो दोनों अप्लाई कर देने तो शायद ड्राइवर नू पहले वीजा मिल जाता है क्योंकि ड्राइवर की अडैप्टेबिलिटी उतरती ही है। डॉक्टर नू हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करन तो पहले 10 to 15 टेस्ट दे के जाना पड़ेगा। तो अडैप्ट जो पोलैंड है उनके अडैप्टेबिलिटी है साढ़े बच्चों की, क्योंकि साडा बच्चा जो 6 बैंड 6.5 बैंड 5.5 बैंड वाला है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा US उस दे लिए ऑप्शंस खुलिया ने। ये उस क्लास लिए है जो 50 to 70% दे विच रह गई है और जो अपने माहौल दे करके आयल्स नू ब्रेक नहीं कर पा रही है, और जिस को 35-40 लाख रुपया 3 महीने पुराना या 6 महीने पुराना दिखाने नू किसी भी लैवल ते नहीं है, उस दे लिए देर इज़ अ बेस्ट वे। कोई ये मनते हो कि बहुत लोग पहला नहीं गए पोलैंड दे विच, हुणे शुरू हुए 2-4 साल 10 साल तो ज्यादा हुए, पहला गए होणगे हजारां दी तादाद, कोई लखां दे विच नहीं बैठे, कैनेडा वांगू भरिया नहीं होया। बिल्कुल उहदे विच मैनू मेरा जिहड़ा परसनल व्यू हैगा वो ये है कि भाषा नहीं सानू आउंदी उत्थों दी, डरदे मारे नहीं जांदे असीं, भाषा नहीं आउंदी हैगी, इंग्लिश असीं टुट्टी फुट्टी फिर भी बोल के अपना गुजारा कर लैंदे हां। अज भी उत्थों दी लोकल लैंग्वेज साडे लई कामयाबी दे विच रोड़ा बणेगी, देखो सिखणी तां पैणी है ना, बाय हुक बाय बायक। रणबीर जी अगर असी गल कर लिए, असी थोड़ा जा पिछे जाइए तो कई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होए जिस दे विच असी नॉर्वे जॉब सीकर इंट्रोड्यूस होया, जर्मनी जॉब सीकर इंट्रोड्यूस होया, स्पेन भी पर बहुत प्रमोट होया, इटली प्रमोट होंदा रहा, हुण पोलैंड प्रमोट हो रहा है। देखो इस दे विच माल्टा असी करदे रहे, सब तो वड्डी चीज़ यूरोप दे विच असी अज भी कहने हैं कि द हर्डल इज़ द लैंग्वेज, लैंग्वेज थोनू उत्थे जाके सीखनी ही पएगी। कल नू वीज़ा ग्रांट कराने लई, कल नू PR लैन लई थोनू उत्थों दी पॉलिश लैंग्वेज आनी जरूरी है और उन्हों सीखना पएगा। बट यही बच साढ़े बच्चे लिए मैनू लगता सिर्फ यही एक तुसीं कह सकते हो कि हडल है, और ये हडल बच्चे अगर उत्थे चले जाते हैं। देखो रणबीर जी जहो जहा इनवायरमेंट हों ना वह जहा बंदा टल जाता मेरे हिसाब नाल। इतों बहुत साउथ इंडियन पंजाब रेंदे ने जो बहुत समय बाद पंजाबी बोलना शुरू कर देंगे ने, या साढ़े पंजाबी साउथ इंडिया विच रहिंदे ने जो बहुत टाइम बाद 1.5 साल 1.5 साल बाद साउथ इंडियन समझना और थोड़ा मोटा बोलना शुरू कर देंगे ने, और खाना भी शायद वही खाना शुरू कर देंगे ने। तो इसलिए कोई डरन की गल नहीं, प्रॉब्लम का मतलब ही ओपरचुनिटी है और प्रॉब्लम एज ओपरचुनिटी लेना चाहिए। अगर वे मिल रहा है जान का रैदर दैन कि असी रिफ्यूज़ होंदे रहिए, मनी लॉसिस करवाते रहिए, उस तो वधिया की है कि अगर असी बाहर जाना चाहते हाँ, साडा सपना है कि असी बाहर जाके सैटल होना चाहते हाँ, सानू इत्थे कामयाबी नहीं दिख रही है तो बेस्ट ऑप्शन है जिथे एलिजिबिलिटी बनती है उत्थे जाओ, उत्थे तसल्ली नाल 1-2 साल पढ़ो, उस तो बाद थोनू पाथवे दे ना तो थोनू उस तो बाद अगे पढ़न ली, उस तो बाद वर्क ऑप्शंस ली, देर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत कुछ मिलेगा। चलो जे आप पाथवे ना मनीए, मूव होने दी ऑप्शंस ना मनीए, बच्चे नू देश पसंद आ गया, भाषा सीख ली है, बिल्कुल की स्कोप है उत्थे बच्चे दे रहन दा, उत्थे कामयाब होने, बिल्कुल बिल्कुल। रणबीर जी जो 1-1.5 साल का कोर्स करेगा उस तो बाद उन्हें वर्क परमिट मिलेगा, और 5 साल के स्टे तो बाद मैं पहले भी दस्या सी कि स्पेन और पोलैंड की नीति है कि अगर तुम एक घर के एक ही जगह पर 5 साल रहने हो, 3 साल तो उत्ते थोड़ा स्टे होता है तो तुम कार्ड लिए एलिजिबल हो जाते हो, PR लिए एलिजिबल हो जाते हो। हाँ थोड़ा पॉलिश आनी जरूरी है, और डेफिनेटली जो पॉलिश आती है हूँ तो साढ़े वैसे मेरे हिसाब से बहुत सारे पंजाबी भी सैटल डाउन ने पोलैंड के, ऐसी कोई गल नहीं है कि सानू उत्थे जाके बिल्कुल ही अनजान लगेगा कि अनजान देश ही जाके, ऐसा नहीं है। साडे स्टूडेंट्स बच्चों लैन भी आ जाते हैं, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, सारी सर्विसिज ने, बच्चों काम से भी लवा देंगे ने, बच्चा कॉलेज के भी अपने नाल दे बच्चे नाल जाता है और स्लो एंड स्टडी सीख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव दसोगे थोड़ा जा टिप्स कि बच्चा मार खा जाता है, कौन कामयाब हो जाता है पोलैंड? देखो पोलैंड आफ्टर वीज़ा की अगर गल करोगे तो
सब तो पहले बच्चा वो कामयाब रहेगा जो अपना इंस्टीट्यूशंस नहीं बदलेगा, सेकंड उत्थे रेजिडेंट जिहड़ा तुसी कार लै लिया उन्हूं नहीं चेंज करोगे, उत्थे ही रहोगे क्योंकि एक ही जगह तो जो थोड़ी रिटर्नस जांदियां रहणगियां ते लॉ है जो 3 तो 4 साल तो थोड़ा स्टेक रहेगा रिटर्नस एक रहणगियां तो डेफिनेटली थोनों उसका बेनीफिट मिलता है। तीजी चीज़ अगर बिफोर वीज़ा की गल करो तो सब तो बड़ी टिप्स है फंड, 7 तो 8 लाख रुपये फंड चाहिए ने, काइंडली उन्हें पुराने कर लो, उस तो बाद थोड़ी 3-3.25 लाख रुपया फीस है, घट्टों घट इनकम प्रूफ 6 तो 8 लख रुपये का लाओ ताकि अगर थोड़ा 1 साल होर भी पढ़ना पै जाए या 2 साल पढ़ना पै जाए तो थोड़े को इन्ना इनकम हो कि तुम उतों फीस उतार सको। ये सारी चीज़ा अगर टैप्स में ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा पोलैंड का वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अज पंजाब दे विच बैठे शो चलते हैं, छोटी छोटी सलाह चल दी हैं, छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट चल दी हैं कि साइप्रस चलो, साइप्रस का वीज़ा सक्सैस रेट बहुत है। सच है, बिल्कुल सच है। सक्सैस रेट तो हूँ पाकिस्तान का भी है कि बच्चा पंजाब छड़ के पाकिस्तान चले जाए, कुछ साढ़े नालों बैटर है, साइप्रस दे विच लाइफ बैटर है, एजुकेशन बैटर है, पक्के होने दी संभावना में अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी बच्चे नूं, बिल्कुल, या वीज़ा देख के चले जाना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुसी ये कहा कि पाकिस्तान का भी वीज़ा ईजी है बट साइप्रस इज़ अ यूरोप यूरोप यूनियन का मैंबर है, पहली गल नहीं उहदे नाल मैं उही पुछ रहा की फर्क फर्क यह है कि सर रणबीर जी यूरोप यूनियन का मैंबर है, यूरोप बच्चे नूं की फायदा, बच्चे नूं उसका फायदा यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्सपोजर, साढ़े बच्चे नूं इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और एट वेरी लो कॉस्ट बच्चा इंटरनेशनल एक्सपोजर लैके आ रहा है। दूजी चीज़ साइप्रस जाके अगर थोड़ा जा अपनी परसनैलिटी ग्रूम कर लेंदा और इंग्लिश ते कमांड है तो डेफिनेटली बच्चा कम इंग्लिश या ग्रीक भाषा, देखो ग्रीक तो एकदम तो कमांड नहीं आ सकती, अगर इंग्लिश तो आती है तो उन्होंने कितने कितने पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जिन्हों उनके असी कह सकते हैं कि बैक एंड ते मिल जाती है जॉब, लाइक प्रिपरेशन जैसे वो कैफे कॉफी कॉफी डेज काम कर सकता, कितने पैकिंग हाउस में काम कर सकता है, ड्राई क्लीन्स ते काम कर सकता है, या तुसी ये कह सकते हो कि जो चिट लगदी ने सॉरी वो कहना चाहना कोरियर कंपनीज दे विच कर सकता है, एक कुछ चीज़ा ने जिथे बच्चा काम कर सकता है पर इंग्लिश मैंडेटरी है क्योंकि इंग्लिश विच कमांड तो उन्हें करनी आवे। दूजी चीज़ साइप्रस दे विच जो कॉलेज चूज करना एक बहुत बड़ा इशू है, मैं हर शो ते जदों आपां साइप्रस डिस्कस करने ये जरूर डिस्कस करदा, क्यों, क्योंकि साइप वो कॉलेज की लोकेशन कितने कि तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर तो नहीं, फिर तुसी उत्थे पढ़ोगे कदों, किस तो दूर जिते तुसी शहर तो, तुसी कम तो शहर दे विच ही करोगे आफ्टरऑल, हुण इदां ना होवे कि 50 किलोमीटर दूर कॉलेज आ तुसी कदों जाओगे तो कदों वापस आओगे और कदों शाम नूं काम करोगे, क्योंकि जो जो पीक जो प्राइम टाइम है काम तो तुहानूं उदों ही मिलेगा, पार्ट टाइम हैप्पी आवर्स दे विच तां काम मिलेगा नहीं, तुहानूं प्राइम टाइम विच काम मिलेगा क्योंकि उदों काम दी जरूरत हुंदी है, और साडे बच्चे नूं इह जरूर चाहीदा है कि वह सिर्फ ये सोच के ना चले जाण कि मैं साइप्रस पहुँच गया या पहुँच मई, मैं साइप्रस एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है, उत्थों तुसी हर तरह की लाइफ जी सकते हो बट थोनू अपनी पर्सनैलिटी अपने इंग्लिश कमांड ते, देखो ग्रीक बाय डिफॉल्ट आ जाएगी जदों तुसी जिस देश विच रहण लग जो, मतलब इन्हूं तां दूसरा पासा देख लीजिए आइल्स की जरूरत तो है ना, हाँ इंग्लिश तो इंग्लिश नूं नहीं मना किया जा सकता, टेस्ट ना दिओ, हाँ ना दिओ टेस्ट, ना दिओ ना दिओ, इंग्लिश 6 बैंड 5 बैंड ना दी रिक्वायरमेंट वीजे दी नहीं नहीं है, इंग्लिश तो चाहिए ना। देखो रणबीर जी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इतों बच्चा बॉम्बे अगर जॉब करन जांदा तो इंग्लिश विच इंटरव्यू नहीं हुंदा, इतों बंदा दिल्ली जॉब करन जांदा तो इंग्लिश विच इंटरव्यू नहीं हुंदा, हुण अमृतसर तो बच्चा चंडीगढ़ जॉब करन आउंदा फिर इंग्लिश विच इंटरव्यू नहीं दिंदा, उत्थे भी आइलैट्स दी रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लिश तो बिना तो फिर विदाउट लैंग्वेज तुसीं कैसे काम कर सकते हो। किस तरह के काम करते हैं बच्चे साडे उत्थे, साडे बच्चे रणबीर जी उत्थे जो मैं ज़्यादातर देखे कि पैकिंग हाउसेस विच ज़्यादा काम करते, उस तो बाद हॉस्पिटैलिटी विच साडे बच्चों की डिमांड है, लाइक बेकरी विच या तुसी ये कह सकते हो कि कैफेज विच बच्चे काम करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स दे विच बच्चे साडे काम करते, और जो थोड़ी जी कुड़ियां दी अडैप्टेबिलिटी उत्थे ज़्यादा, जो गर्ल्स नूं कंपैरिजन टू बॉयज़ काम जल्दी मिल जाता है, और बॉयज़ लई जो तुसी ये कह सकते हो कंट्री साइड ते काम बहुत है, विलेज साइड ते जिथे डेयरी फार्मिंग विच
ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਇਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। USA ਪੋਲੈਂਡ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਸ, ਕੀ ਸਕੋਪ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।